तो है व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया हो गए। अनदर डे अनदर न्यू व्लॉग एंड वी आर बैक अगेन। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, सुबह के 8 बजे हैं, मैं लेट हो रहा हूँ भाई, सच भी तो बोल रहा हूँ। 8:15 AM इन द मॉर्निंग and I'm heading towards Manesar, that is my office, and I'm already running late like always. I have to be there at 9, but I don't think I'll be able to get there by 9. Anyways, we'll keep the hustle going. और बताओ गाइस, क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में? मेरे में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बस वही रोज का हसल चल रहा है। और थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए ऑफिस से डायरेक्ट जिम चला जाता हूँ और अपने दो दोस्तों से मिल लेता हूँ। बाकी टुडे इज 1st of May and it is my birthday month. इस महीने में तुम्हारे भाई का जन्मदिन है, तो इस महीने मौज मचा देंगे, कुछ तो बढ़िया सा करेंगे। ये देखो भाई, ये हैं आजकल के, मतलब आजकल के तो नहीं है, तो भाई बहुत पुराना लग रहा था। बाकी हाँ, फिटनेस एंथुजियास्ट भाई, सुबह सुबह निकला है, सुबह तो नहीं दोपहर हो गई है, बट समझ जाओ ना, नौजवान जो सुबह सुबह व्यायाम करते हैं। मैं तो भाई कंप्लीटली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मतलब 1% भी नहीं। आज से 2-3 साल पहले देखूँ तो मैं था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज वेल, और कोविड टाइम पे तो सुबह सुबह रोज़ क्रिकेट खेलते थे भाई, रोज़, ठीक है। और कोविड टाइम से पहले भी हर सैटरडे संडे आई यूज़ टू गो आउट एंड प्ले क्रिकेट विद माय पड़ोसी और मेरे यार दोस्त, ठीक है। बट अब तो भाई ये हो गया है कि एक तो रात में सोया लेट जाता है 12-1 बजे, नहीं अभी गिलहरी नीचे आ जाती, नहीं उससे बात नहीं करता, वो तो जा चुकी है। बस ऐसे ही यार। और आजकल तो एक ये नया चस्का व्लॉगिंग का चढ़ा है, डेली व्लॉगिंग का, डेली मोटो व्लॉगिंग का, तो ये करने लगा हूँ। तो बस सोने में लेट हो जाता है। वैसे भी अगर डेली व्लॉगिंग भी नहीं करता था तब भी सोने में लेट हो ही जाता था, और फिर सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। बाकी लेट्स सी, इस वीकेंड सोच रहा हूँ क्रिकेट खेलने जाऊँ, क्योंकि इट्स बिन मोर देन 1-1.5 और मे बी 2 ईयर्स दैट आई हैवंट प्लेड क्रिकेट, तो होपफुली खेलने जाऊँगा भाई। पर दिन तो वो थे, स्कूल से आते ही दोपहर के 3 या 4 बजे हम क्रिकेट खेलने निकलते थे, ठीक है, और शाम के 7-8 बजे जब अंधेरा हो जाता तब वापस आते थे। मतलब असली दिन तो वही थे, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। अब तो साला हर चीज़ की टेंशन लेनी पड़ती है, CTC कितना है, अगले साल कितना होगा, उसको बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस कुछ। एक तो भाई ये लेट करवाएंगे। हाँ भाई, क्या हाल है? बड़ी गहरी बात लिखी हुई है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना। दुनिया मतलब कि जमाना पैसे का, वाह। सो अभी वी आर एंटरिंग हरियाणा फ्रॉम दिल्ली। केजू सर ने लिखाया हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग दिल्ली। अभी मैंने एक बात सोची है कि मैं ना बहुत ज़्यादा गालियाँ दे देता हूँ, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में आके, और लुकिंग एट द पीपल हाउ दे ड्राइव, ठीक है,
तो मैंने सोचा है कि मैं ना गालियों पे कंट्रोल करूँगा। ऊपर से मेरा एक दोस्त, गहरा दोस्त, जिसको आप लोग बखूबी जानते हो, दैट इज दीपांशु, उसका भी कल मेरे को मैसेज आया कि प्रिंस भाई गालियाँ बहुत दे रहा है। तो आई थॉट कि प्रिंस इट्स टाइम दैट यू शुड कंट्रोल। तो अभी मैं गालियाँ नहीं दूंगा, मैं एक सेकंड का ना मौन व्रत लिया करूँगा। तो आप समझ जाना, मतलब आपके मन में जो गाली आ रही हो या फिर जो गाली उस पर सूट कर रही हो ना, वो सोच के आगे लेट्स कंटिन्यू द सेंटेंस। मतलब मैंने बोला कोशिश करूँगा भाई, कोशिश, ऐसा नहीं है कि एकदम से छूट जाएगी, बट लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी को देखा है चढ़ती वह दीवारों पर, सो सो बार गिरती है। ये भारतवर्ष के बहन छोड़ो, पर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं तो एक अच्छा कवि बन सकता हूँ। असल में ना किसी भी इंसान के अंदर का कवि तब बाहर आता है जब वो किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा हो। अपना तो जीवन ही ऐसा रहा है भाई, अपने तो जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही हैं जिनको मैं एक, क्या बोलते हैं उसको, कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रकट कर सकता हूँ। ओ तू ठाडा मैं माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, तू ठाडा मैं माड़ी ना मिलता जोड़ा हो, भैया तू कर चलना मार मरोड़ा हो। वैसे आप भी सोचते तो होगे कि प्रिंस भाई आप इंग्लिश बोल लेते हो, हिंदी बोल लेते हो, पंजाबी बोल लेते हो, हरियाणवी बोल लेते हो, भाई क्या करें, आपके प्रिंस भाई टैलेंटेड तो बहुत हैं, बट समझ जाओ आगे। वेलकम टू लद्दाख। चलो रेस लगाते हैं, उस स्प्लेंडर वाले को पकड़ना है। पकड़ सकता हूं भाई कभी भी। आप भी सोचोगे प्रिंस भाई क्या बकचोदी कर रहे हो, कहां 650 cc, कहां 90 cc। देखो भैया मेरी बात सुनो, अगर इंडिया जिम्बाब्वे से खेलने जा रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ये बोलेंगे कि हम जिम्बाब्वे से जीतना नहीं चाहेंगे, ये है वो है। कंपटीशन इज कंपटीशन। जो आपका कंपटीशन है उसको हमेशा कुत्ते की मौत देने की सोचो, तभी आप जीत पाओगे। और हाँ, कभी रिश्तों में कंपटीशन की मत सोचना, इसको एक बार हरा दिया नहीं आ रहा, मैं भगाना नहीं चाह रहा। रिश्तों में कंपटीशन की मत सोचना भाई कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूँगा स्लैश करूँगी, वो मैटर नहीं करता, वो आपके साथ है नहीं है, जो कर दिया कर दिया, मिट्टी पाओ, माफ़ कर दो सबको। इस दुनिया में सब अच्छे हैं सब बुरे हैं, तो बस अपने ऊपर ध्यान दो। अगर ये ऐसे चलाएगा तो ये मेरे पे गाली खाएगा। कभी भी
वो तो मैं भगाना चाहता नहीं हूँ, तो एनी डे एनी टाइम। भाई ये जो आगे ट्रक वाला चल रहा है ना, इतने गंदे तरीके से चला रहा था ना इतनी देर से, ना साइड दे रहा ना कुछ। अब मैं गाली दे दूंगा फिर पब्लिक मेरे को जज करेगी। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई अब सब्सक्राइब करना चालू कर दो, देख देख के भाग जाते हो। ओके बाय। वही तो बहुत हो गई बकचोदी।